मंदसौर गांधी चौराहे लघु समाचार पत्र के अध्यक्ष ओंकार सिंह के ऊपर हमला करवाने वाले के खिलाफ नामजद रिपोर्ट लिखवाई गई थी, लेकिन अभी तक मामला दर्ज नहीं किया। उसी बात को लेकर सभी समाचार पत्रों के संपादक और पत्रकारों ने आज गांधी चौराहे पर धरना प्रदर्शन किया। धरना समाप्त होने के बाद कलेक्टर महोदय को ज्ञापन भी दिया। सोमवार की रात 9 बजे जो है हमारे दो पत्रकार साथी के संपादक है ओंकार सिंह जी और रमेश माली, उन पे 4 लोगों ने हमला किया था, लेकिन हमला करने वाले अगले दिन पकड़े गए थे। पुलिस ने ये अच्छा काम किया था कि उनको तत्काल पकड़ लिया, लेकिन उसके बाद उन लोगों से किसने कार्रवाई, उन लोगों ने किसके कहने पे हमला करवाया, उन लोगों का नाम आज तक बाहर नहीं आया। यानी उस घटनाक्रम के पीछे बहुत बड़ा षड्यंत्र हमें लगता है, और उसी की मांग को लेकर हमने आज ये धरना दिया था। और कहा जाता है कि अगर किसी किसी के उसका खुलासा नहीं होता है तो हम आने वाले चुनाव में समाचारों का बहिष्कार करेंगे, और ये आज सांकेतिक धरना देके हमने ज्ञापन दिया है मुख्य निर्वाचन अधिकारी के नाम। विगत 3 अक्टूबर की रात को 9:15 बजे संपादक संघ के अध्यक्ष ओंकार सिंह और संपादक साथी रमेश माली पर जानलेवा हमला हुआ था। उस हमले को लेकर पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया था, लेकिन उन पर मामूली धाराएं लगाकर उन्हें जमानत पर छोड़ दिया गया। इस हम ये आज जो धरना दिया है, हम इसमें ये चाहते हैं पुलिस प्रशासन से कार्रवाई कि षड्यंत्र के पीछे जो हमला करवाने के पीछे जो मुख्य आरोपी थे वो आरोपी सामने आए, और आज हमने मुख्य निर्वाचन अधिकारी के नाम ज्ञापन दिया है। उस ज्ञापन में हमने मुख्य निर्वाचन अधिकारी महोदय से भी इसको इस षड्यंत्र के पीछे के अपराधी जो हैं उनका खुलासा करवाने की मांग की है, और अगर ऐसा समय रहते नहीं किया गया तो हम पूर्णतः चुनाव सभी पत्रकार प्रिंट मीडिया वेब मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी पत्रकार पूरे जिले में निर्वाचन आयोग के समाचारों का बहिष्कार करेंगे, और मतदान हम पत्रकार साथी मतदान भी नहीं करेंगे।